भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। वहीं साथ ही अब शिव भक्त कांवड़िए भी अपने अपने गंतव्यों से कांवर लेने के लिए हरिद्वार की तरफ रुख करने लगे हैं। वहीं कुछ शिव भक्त तो अब लंबा सफ़र तय करके अपने गंतव्यों की तरफ भी जा रहे हैं। इस बार मेरठ में भी जिला प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। अगर डेटा को देखे जाए तो उसके हिसाब से लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग मेरठ से क्रॉस करते हैं पूरे कांवड़ यात्रा में। उसकी जो बेसिक सुविधाएं उसके लिए तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, बट साथ ही एक नया वेब ऐप भी हम लोगों ने डेवलप किया है, जिसके माध्यम से हम लोग जो हमारे कांवड़ यात्री हैं उनकी यात्रा मेरठ से गुजरते हुए और सुगम हो, सुविधाजनक हो, उसके लिए हम लोगों ने इसमें काम किया है। तो किसी भी कांवड़ यात्री के लिए जो सबसे 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो जो मेडिकल कैंप है उसकी लोकेशन, साथ ही सामुदायिक शौचालय प्लस जो स्नानान गृह होते हैं उसकी लोकेशन, प्लस पंडालों की लोकेशन जहाँ पे वो रुक सकते हैं, खा सकते हैं, और जहाँ पानी की व्यवस्था होती है उसका, जो इन सब चीज़ों की लोकेशन उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही रास्तों की लोकेशन, क्योंकि शाम के समय में या जब थोड़ी कभी कभी कंफ्यूजन की वजह से कई कांवड़ यात्री गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो उससे भी उन लोगों को काफ़ी, अगर जंगल के रास्ते होते हैं तो सांप के काटने का डर और बाकी सब कई सारी असुविधाएं होती हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक ऐप डेवलप किया जिसमें जो मुख्य कांवड़ मार्ग हैं उसको हम लोग दर्शा देंगे जो गूगल मैप के माध्यम से, साथ ही उस रास्ते पे आने वाले हमारे मेडिकल कैंप्स कहाँ कहाँ पर हैं उसकी लोकेशन दर्शाई जाएगी, साथ ही मुख्य मुख्य पंडाल जो उस रास्ते पर हैं उनकी लोकेशन दर्शाई जाएगी। उसके बाद जो हमारे वहाँ पे सामुदायिक शौचालय हैं, जो शेल्टर होम्स हैं, जैसे कई सरकारी बिल्डिंग्स जो रास्ते के साथ होती हैं, जैसे स्कूल्स होते हैं या पंचायत भवन होते हैं, तो वहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरीके की जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन या ऐसे पब्लिक यूटिलिटीज़ जो हम लोगों ने कांवड़ यात्रियों के लिए बनाई है, तो उसको हम उसको चिन्हित करवा देंगे, और कोई भी कांवड़ यात्री उस बारकोड को, जो पूरे रास्ते में बारकोड भी लगाएंगे और हर पंडाल में भी लगाएंगे और हर पुलिस के जो चेक पॉइंट है वहाँ पे भी लगाएंगे, कोई भी कांवड़ यात्री अपने फ़ोन से वहीं स्कैन करके, उसको कहीं प्ले स्टोर पर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं, वो सीधा स्कैन करे और उसके माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो वहाँ से ले सकते हैं। एम्बुलेंसेज भी चलाएंगे जो बाइक्स पर होंगी, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि पूरे रास्ते पर इतना भीड़ होती है कि किसी भी बड़े वाहन का जाना वहाँ से बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए बाइक्स पर जो बेसिक जैसे एंटी वेनम है या जो बेसिक दर्द की दवाइयाँ हैं या छालों की दवाइयाँ हैं, तो ये सारी मोबाइल जो हमारी बाइक्स होंगी उसके माध्यम से भी हम एक एक कांवड़ यात्री को कोशिश करेंगे कि उन तक हम पहुँचें। तो और भी काफ़ी कुछ ऐसा इस बार हो रहा है ताकि सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल में शिव भक्त अपने अपने गंतव्यों को वापस लौटें और ये जो श्रावण मास है इसमें ये जो पर्व है बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाए। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।